हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन लव। और फ्रेंड्स, ये मेरा एशियाटिक लिली का प्लांट है। ये प्लांट ईस्टर्न एशिया का नेटिव प्लांट होता है और हमारे यहाँ इंडिया में ये सर्दियों में ग्रो किया जाता है। और फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं इस प्लांट की केयर टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर इस प्लांट की प्रोपोगेशन की बात करें तो इसे सितंबर या अक्टूबर के मंथ में बल्ब के थ्रू ग्रो किया जाता है और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है बल्ब के थ्रू। और फ्रेंड्स, इसे बल्ब के थ्रू ग्रो करने से लेकर इसकी फ्लावरिंग होने तक में जो टाइम लगता है वो 2 से 3 महीने लग जाते हैं। इसे जब हम बल्ब के थ्रू ग्रो करते हैं तो उसके बाद लगभग 2 से 3 मंथ के टाइम में ये फ्लावरिंग करने लग जाता है। और इसके फ्लावर्स काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं। फ्रेंड्स, ये प्लांट बहुत सारे ब्राइट कलर्स में आता है और बहुत ही प्यारे फ्लावर्स होते हैं। और इसमें बंचेस में फ्लावरिंग होती है। इसके एक बंच में 1 से लेके और 7-8 तक बर्ड्स आ जाते हैं। इसके फ्लावर्स काफ़ी दिनों तक खिले रहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर बात करें इस प्लांट के लिए सॉइल की, तो इस प्लांट को जब हम बल्ब के थ्रू ग्रो करते हैं या हम अपनी लोकल नर्सरी से ला के अपने घर में लगाते हैं तो ये किसी भी तरीके की वेल ड्रेन सॉइल में अच्छे से ग्रो कर जाता है। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि सॉइल बिल्कुल पूरे तरीके से वेल ड्रेन होनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रेत ऐड करें ताकि सॉइल आपकी वेल ड्रेन हो और आप उसमें काफ़ी मात्रा में कंपोस्ट लें। ये एक हैवी फीडर प्लांट होता है, इसे फर्टिलाइज़र भी काफ़ी मात्रा में चाहिए होता है। तो काफ़ी वेल ड्रेन और रिच फर्टिलाइज़र वाली मिट्टी दें आप इसे। और फ्रेंड्स, अगर इस प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक हैवी फीडर प्लांट होता है। फर्टिलाइज़र इसे काफ़ी मात्रा में चाहिए होता है और रेगुलर चाहिए होता है। आप ऐसा करें कि हर 15-20 दिन में आप इसे फर्टिलाइज़ करें, या तो आप इसे मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं हर 15 से 20 दिनों में। और फ्रेंड्स, कम से कम 20 या 25 दिनों में आप इसकी सॉइल में 1 चम्मच के करीब बोन मील भी डाल दिया करें। ये इस प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फ्रेंड्स, आप कभी भी अपने इस प्लांट को ओवर वाटरिंग ना करें। इसकी वजह से इस प्लांट की सॉइल में फंगस लग सकती है और इसे एक डिसीज़ हो जाती है जिसे बोलरिटिस एलिप्टिका कहते हैं। और उसमें इसके पत्तों पर छोटे छोटे धब्बे से आ जाते हैं और आपका प्लांट ख़राब होने लगता है। और इसमें जो नीचे बल्ब वगैरह बनते रहते हैं वो भी इसके ख़राब हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि ओवर वाटरिंग आप कभी भी किसी प्लांट में अपने में ना करें। और फ्रेंड्स, अगर इस प्लांट के लिए सनलाइट की बात करें तो इसे सनलाइट काफ़ी पसंद होती है। इसे कम से कम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है। और जब इसके फूल खिलने लगे, जब इसमें फूल खिल जाएँ, तो तब इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इसके जो फ्लावर्स हैं वो जल्दी ही ख़राब होने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, जब इस प्लांट में फ्लावर्स आने लगते हैं तो आप इसे फिल्टर्ड लाइट में रखें या सेमी शेड में रखें। और फ्रेंड्स, कई बार इस प्लांट के जहाँ पे पत्ते होते हैं उन लीफ नोड्स के पास से कुछ छोटे छोटे से काले से सकुलेंट पार्ट बाहर निकलने लगते हैं। सकुलेंट से कुछ उभार से होते हैं तो वो निकलने लगते हैं बाहर को, काला रंग होता है उनका। और फ्रेंड्स, वो इस प्लांट के सीड्स होते हैं, उन्हें बल्बिल्स कहा जाता है। और उसे भी हम इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बल्बिल्स के थ्रू इस प्लांट को ग्रो करने में और इसके फूल खिलने में लगभग 2 साल तक का टाइम लगता है। और इस प्रोसेस के थ्रू इस प्लांट को ग्रो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है और कई बार सक्सेस रेट भी इतना अच्छा नहीं होता है। तो इसे बल्ब के थ्रू ही ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस प्लांट को ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। ओवर वाटरिंग से इसकी सॉइल में फंगस हो जाती है और ये पौधा आपका मरने लगता है। तो आप ऐसा करें कि हर 15 से 20 दिनों में इसकी सॉइल में जब भी आप पानी दें और उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड ऐड करके इसकी सॉइल में दे दें ताकि इसकी सॉइल में फंगस वगैरह ना लगे। और फ्रेंड्स, जब भी आपके प्लांट के फूल सूख जाते हैं तो आप उन्हें काट के अलग करते रहें। और जब सारे फ्लावर सूख जाते हैं तो आप इसके पूरे ही बंच को काट दें।
और फिर इस प्लांट को आप ऐसा ही छोड़ दें इसके फ्लावर्स को काट के, और जैसे आप रेगुलरली इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं वैसे ही डालते रहें, और वाटरिंग आप थोड़ी सी कम कर दें, क्योंकि इस प्लांट के नीचे जड़ में इसके बल्ब तैयार होते हैं, और जब हम इसे लगातार फर्टिलाइज़र वगैरह देते रहेंगे तो वो बल्ब को एनर्जी मिलती रहेगी और काफ़ी हेल्दी बल्ब मिलेगी आपको, और उसे नेक्स्ट सीज़न में आप ग्रो भी कर सकते हैं। तो ये काम आप करते रहें। और फ्रेंड्स, जब बल्ब को पूरी एनर्जी मिल चुकी होगी तो आपका जो प्लांट है उसके सारे पत्ते धीरे धीरे सूख के झड़ जाएंगे, और जब इस प्लांट के सारे ही पत्ते सूख के झड़ जाएं तो आप इसका नीचे का 1 से 2 इंच का हिस्सा छोड़ के इस प्लांट का, और उसे काट दें। फ्रेंड्स, आपको इस प्लांट का सोइल के ऊपर सिर्फ 1 से 2 इंच का हिस्सा छोड़ना है, और उसके ऊपर से आप इस प्लांट को कैंची से काट के अलग कर देंगे, और प्लांट के नीचे आपका जो बल्ब है वो तैयार हो जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बाय।